हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ सुपर कोचिंग टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो टॉपिक मैंने उठाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे कह रहे थे कि सर अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो प्लीज ये कर दीजिए, इतना बता दीजिए कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हम इन 2.5 महीने में ज्यादा फोकस करके JRF ले आए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ठीक है, मैं इस पर शॉर्ट वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तो मेरा ये शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि सेल्स जो है, आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं आप कि सेल चालू हो गई है इस समय, जिस समय आपके मन में ये सवाल आ रहा है। ठीक है, तो 4549 में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मौका आपको मिल रहा है, 2.5 महीने बचे हुए हैं और आप सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं 2.5 महीने के अंदर, पूरा कंप्लीट सिलेबस। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत लगन से, शिद्दत से उन वीडियोस को देखना है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको पता है, तो ये कोड इस्तेमाल कर लो, ऐप पर चले जाओ, ऑफर को ग्रैब कर लो। ठीक, कम समय में अगर आपको कुछ करना है तो आपको किसी के गाइडेंस में ही करना पड़ेगा। कोई दिशा दिखाने वाला मिल जाए फिर क्या कहने, फिर तो 100% क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सबको मालूम है कि Paper 1 की तुलिका मैम फैकल्टी हैं और प्रीति मैम फैकल्टी हैं। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे चलती है, प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और 7 बजे चलती है। बिना Paper 1 के आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रीति मैम है और तुलिका मैम है, इनकी भी क्लासेस आप जरूर से देखा कीजिए। मेरी क्लासेस ट्यूजडे और थर्सडे को चलती है, ठीक, ऐप पर, और यूट्यूब पर चलती है मंडे टू फ्राइडे 11 बजे। मेरा कोड जो है वो MANOJ है, QR कोड आपको सामने दिख रहा है, फोन नंबर भी मैंने लगा दिया 8045888812। ठीक, यहां पर कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो कौन सी यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें कवर करना चाहिए। तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे सिलेबस है, जिसमें आपकी सबसे पहली यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पहली यूनिट, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि लगभग कितने जो हैं क्वेश्चंस यूनिट 1 से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, लगातार। तो सबसे पहली यूनिट सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, रिसर्च मेथडोलॉजी सेकेंड यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन थर्ड है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ है, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट फिफ्थ है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी सिक्स है, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी सेवेंथ है, फैमिली मैरिज किनशिप एट्थ है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी नाइन्थ है, और कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन 10th यूनिट है। अब इन यूनिट से लगातार 5 साल से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी लगभग कितने क्वेश्चंस आए थे, ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर मैं उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी 6 यूनिट है जिसको कवर करके आप 65 से 81 क्वेश्चंस तक आप कर सकते हैं। 65 से 81 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वो ऐसे 6 यूनिट्स हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आप, हाँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन 10 यूनिट में से आप कोई छोड़ दें, आपको सारी की सारी यूनिट कवर करनी है। सारी यूनिट कवर करने का 2.5 महीने में केवल एक ही तरीका है कि आप कोई क्लास कर लें, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, आप एक दिन में बैठ के चार चार वीडियो देख डालें, आपका 10 का 10 यूनिट कवर हुआ। लेकिन आप इन 6 यूनिट पे बेटा स्पेशल फोकस रख लो। इन 6 यूनिट पे जो मैं बता रहा हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं, इन 6 यूनिट पे ना स्पेशल फोकस रख लो यार। जो यूनिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, इस पे स्पेशल फोकस रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल यही 6 यूनिट पढ़ के जाएं, ये बात गौर से ध्यान में रखिएगा।
बताने के पहले, यूनिट्स पे आने के पहले, इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे आने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं। अब देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितने कितने सवाल आए हैं। तो फर्स्ट यूनिट से लगभग आपने देखा 24 से 26 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड यूनिट से 8 से 15 क्वेश्चन आते हैं, थर्ड यूनिट से 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ से 4 to 7, सिक्स से 3 to 8, सेवन से 4 to 8, 8 से 6 to 10, 9 से 5 to 9 और 10 से 5 to 8। अब मैंने बहुत वैज्ञानिक तरीके पे, बहुत साइंटिफिक तरीके से इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, बहुत वैज्ञानिक, बहुत विश्लेषण करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज लेने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जिनको आपको 2.5 मंथ में ज्यादा फोकस देना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आपको कि आप यही यूनिट्स कवर करो। देखो बार बार मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन्हीं इन्हीं यूनिट्स को कवर करें। सिर्फ मैं इतना चाह रहा हूं आपसे कि आपके जो 2.5 महीने हैं इसमें आपको मोर फोकस देना है, ज्यादा ध्यान देना है। करना आपको सारी यूनिट है और सारी यूनिट करने का 2.5 महीने के अंदर आपके पास एक ही तरीका है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए और आप सारे के सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लें। ठीक है, कुछ मैं आपके साथ चलाऊंगा, कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सी यूनिट है जिसमें से 65 से 81 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक मिनट, पेन का कलर मैं चेंज कर लूं थोड़ा। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट 24 to 26 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहली यूनिट तो बिल्कुल भगवद गीता है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो पछताएंगे। ठीक, सारे थिंकर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 15 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट जिसमें से 7 से 12 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। एट्थ यूनिट जिसमें से 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और नाइन्थ यूनिट जिसमें 5 से 9 क्वेश्चन आते हैं। बहुत साइंटिफिकली ये यूनिट्स मैं आपको डिजाइन करके दे रहा हूं। लेकिन क्या बाकी के बचे हुए यूनिट्स को आप छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, अफोर्डेबल नहीं है कि आप उन यूनिट्स को छोड़ सकें। टोटल कितने क्वेश्चंस आ गए इनमें से? इनमें से टोटल आ गए जो आप कर पाएंगे वो हैं 65 to 82 क्वेश्चंस। 65 to 82 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे इन यूनिट से अगर मेरे बताए हुए आ गए तो। ये पिछले 5 साल से ऐसा होता आ रहा है, ये घटना घट रही है पिछले 5 सालों से। ठीक, लेकिन आपको 10 की 10 यूनिट पढ़नी है। देखो भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, आपको फुल 10 यूनिट्स कवर करनी है। उसका एक ही तरीका है, 10 यूनिट्स कवर करनी है फुल। इन पे ज्यादा ध्यान देना है। कैसे होगा? कोर्स ले लो। आज की डेट में मैं इसलिए बार बार, मैं पहले कभी आपको कोर्स लेने के लिए इतना एम्फेसिस नहीं किया, इसलिए बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि यार सेल चालू हो गई है और सच में बहुत कम पैसे में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। 4,550 रुपए में आपको कोर्स मिल जा रहा है। करना क्या है? सारे वीडियोस देख डालने। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है, ये वीडियो है, ये बहुत काम आएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपको किस तरह से यूनिट्स कवर करनी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।